नमस्कार, मी सचिन. आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी. पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त ईशान्य मुंबई जिल्हा युवक काँग्रेसच्या वतीने घाटकोपर येथे राजीव एक सोच कार्यक्रमाचं आयोजन. बाबा मखदूम शहा यांचं नाव माहीम रेल्वे स्थानक आणि मेट्रो स्थानकाला देण्याची बहुजन परिषद रिपब्लिकन फोर्सची मागणी. रिपब्लिकन सेना नवी मुंबई जिल्हा अधीक्षक खाजा मिया पटेल यांच्या वतीने तुर्भे नाका येथील हनुमान नगरात मोफत आरोग्य शिबिर संपन्न. चेंबूर कॅम्प येथील सिंधी बांधवांनी भगवान झुलेलाल यांच्या 40व्या निमित्त केले जलदेवतेचं पूजन. आणि चेंबूर माहूल येथील हजरत सय्यद गाजी सालार मलंग शाह कादरी उर्फ घासवाले बाबाचा उर्स 31 ऑगस्ट पासून होणार सुरू. भारताचे माजी पंतप्रधान स्वर्गीय राजीव गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त राजीव एक सोच या कार्यक्रमाचं आयोजन घाटकोपरमध्ये करण्यात आले होते. ईशान्य मुंबई जिल्हा युवक काँग्रेस आयोजित या कार्यक्रमास प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून काँग्रेसचे माजी खासदार गुरुदास कामत उपस्थित होते. ईशान्य मुंबई जिल्हा युवक काँग्रेसचे जिल्हा अध्यक्ष वैभव धनावडे यांच्या वतीने आयोजित राजीव एक सोच या कार्यक्रमाची सुरुवात काँग्रेसचे माजी खासदार गुरुदास कामत यांच्या हस्ते भारतरत्न स्वर्गीय राजीव गांधी आणि माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना आदरांजली वाहून दीप प्रज्वलित करण्यात आले. घाटकोपर येथील जवेरेबन पोपटलाल सभागृहात पार पडलेल्या या कार्यक्रमाच्या प्रसंगी माजी केंद्रीय मंत्री गुरुदास कामत यांच्यासह माजी आमदार नसीम खान, युसुफ अब्राहनी, युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव अनिरुद्ध सिंग, मुंबई युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष गणेशकुमार यादव, जिल्हा अध्यक्ष वैभव धनावडे, दक्षिण मध्य मुंबई युवक काँग्रेसचे जिल्हा अध्यक्ष अभिषेक किसन मिस्त्री, प्रवीण छेडा, डॉक्टर संदेश म्हात्रे, सुप्रिया कदम, माजी नगरसेवक किसन मिस्त्री आदी मान्यवरांसह काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि हजारोंच्या संख्येनं युवक काँग्रेसचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. आज गणेश यादव मुंबई युवक काँग्रेस के अध्यक्ष और वैभव धनावडे हमारे जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के जरिए हम सबको न्योता मिला था राजीव जी की जयंती के उपलक्ष्य में और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया. बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम हुआ है और युवाओं में जो जोश दिखता है और जो नरेंद्र मोदी जी के खोखले वायदे और भारतीय जनता पार्टी के खोखले वायदे और लोगों के साथ जो विश्वासघात हुआ है पिछले 4.25 सालों में, आज की इस भारी संख्या से ये दिखता है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताकर हमारे नेता राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी लोग आज से काम पर लग जाएंगे. हमने जैसे कई उदाहरण हमारे सभी साथियों ने आपके सामने रखे कि राजीव गांधी जैसा व्यक्ति आम तौर पर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के रूप में इस तरह का व्यक्ति मिलना असंभव ऐसा लगता है. बहुत सारे किस्से सबके साथ सबका अनुभव है कि भाई जो अपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं कि अपनी जबान पर खरे उतरना. अक्सर राजनीति में रहने वाले लोगों को बदनाम किया जाता है कि बोलते एक है करते दूसरे हैं. राजीव गांधी जी ऐसे बिल्कुल नहीं थे और यही सीख लेकर हम सभी लोग लोगों के साथ में जब भी मिलते जुलते हैं जो काम जो वायदा पार्टी ने वचननामे में किया होता है चुनाव लड़ते समय बोला रहता है या हारने के बावजूद हमारे सारे प्रत्याशी अपने अपने इलाके में लोगों की सेवा में दिखते ही है यही राजीव गांधी की सोच थी. देखिए कामत साहब हम सबके तो नेता है ही बट उन्होंने जैसे कहा कि राजीव जी ने उनकी एक लीडरशिप रेडी की थी आज एक देश के अंदर. राजीव जी ने जो नए लोगों को चांस दिया था उसके एक नतीजा कामत साहब है. तो आज उन्होंने जो दिल से बातें राजीव जी के बारे में कही वो युवाओं को सुनने की ज़रूरत थी और राहुल जी जैसे हम लोगों को मौका दे रहे हैं वैसे राजीव जी ने उनको मौका दिया. तो हम समझते हैं कि कामत साहब से बेहतर आज राजीव जी के बारे में बात करने के लिए कोई नहीं होता, इसके लिए उनको आज बुलाया. आज वैभव धनावड़े के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट जिले में जो कार्यक्रम लिया गया राजीव एक सोच, मेरी समझ ये है कि आज जो युवाएं बाहर निकल कर आई है वो राजीव जी ने जो उनको मौका दिया 21 से 18 साल वोटिंग राइट्स बदल दिया, आईटी रेवोल्यूशन लाई, कंप्यूटराइजेशन किया, मोबाइल फोन्स की उपलब्धि सब देश में अगर आज हुई तो उसके कारण वो है. तो आज ये जो काम उन्होंने किया उसके वजह से आज युवाओं को जो मौका मिल रहा है, नौकरियाँ मिल रही है और लोग आगे बढ़ रहे, देश की आधुनिक नींव जो उन्होंने डाली आज हमको उसका फल मिल रहा है. तो कहीं ना कहीं इसके लिए आज इतने जनता उनके प्यार में उनके जयंती को मनाने इतने सारे संख्या में युवाएं आई है आए हैं मुझे ऐसा लगता है. दोन दिवसापूर्वी आम्हाला
ऑल इंडियाकडनं यूथ काँग्रेसकडनं आम्हाला हा प्रोग्राम आला आमच्या राष्ट्रीय स्तरावरून की राजीवजींच्या जयंतीनिमित्त प्रोग्राम करायचा आहे. तर आम्ही एक त्याला नाव सुचलं की राजीव एक सोच हा आम्ही का विचार केला, कारण का राजीवजींची जी विचार होते ते या युवकांसाठीच होते देशाच्या. कारण आपण बघितलं असेल 21व्या जो शतक आहे त्याच्यामध्ये भारत देश कसा हवा, युवकांना कसं मनोबल देता येईल, ताकद देता येईल, ते काम त्यांनी राजीवजींनी केलं. तर ते युवकांपर्यंत या नवीन पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आमचं आहे, कारण त्यांच्या बरोबर काम केलेले नेते त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही काम करत आहोत. तर ते जेव्हा आम्हाला सांगतात की राजीवजींनी कसं काही काम केलेलं आहे तर ते आम्हाला युवकांपर्यंत पोहोचवायचं. कॅमेरामॅन मसूद अहमदसह ज्योत्स्ना केदार जनादेश वृत्तवाहिनीकरिता.